राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगामी विधानसभा सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सदन में रखने का पुख्ता आश्वासन विधायक एडवोकेट अभिजीत बंजारी ने अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच को दिया। हाल ही में अधिवक्ता मंच का शिष्टमंडल एडवोकेट छत्रपति शर्मा और विलास रावत के नेतृत्व में बंजारी से मिला और उन्हें अधिवक्ताओं की सुरक्षा संबंधित ज्ञापन सौंपा। विधायक बंजारी ने शिष्टमंडल से कहा कि महाराष्ट्र में अधिवक्ता सुरक्षा कानून बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से चर्चा कर दिसंबर माह में नागपुर में होने वाले शीत सत्र में इस मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शिष्टमंडल में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विलास राउत, महिला प्रकोष्ठ नागपुर की जिला अध्यक्ष मंडल मोर, स्मिता गजबीय, युरागवी रामटेक, राज्य संरक्षक अधिवक्ता प्रदीप जायसवाल, मोरेश्वर उपासे, गुणरत्न रामटेक आदि का समावेश था। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद के मंच के माध्यम से मुझे हमारे वकील भाइयों बहनों की तरफ से एक निवेदन प्राप्त हुआ है। उसमें राजस्थान में जिस प्रकार से वकीलों के लिए एक सामाजिक या अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस प्रकार से प्रोटेक्शन बिल तैयार किया गया है और उसके माध्यम से लोगों को वहाँ पर राहत मिली है, वकीलों को राहत मिली है, उसी धरती पर महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का कानून होना चाहिए। इसलिए मुझे ये निवेदन प्राप्त हुआ। ये एक अच्छी शुरुआत है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि देश में ऐसे हमने कई घटनाएं देखी है कि कोर्ट के परिसर में वहाँ पर वकीलों के ऊपर हमले हुए हैं, वो निंदनीय है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं को तो पूरा पूर्णग्राम मिलना चाहिए। इसके लिए वकीलों का एक प्रोटेक्शन बिल इस आने वाले हमारे नागपुर के अधिवेशन में मैं विधान परिषद में उपस्थित करने वाला हूँ। नेता विपक्ष के साथ में भी बात करेंगे, वडेट्टीवार साहब के साथ में मैं आप लोगों की मुलाकात करके दूंगा। वैसे ही हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी हैं, उनसे भी कल हम लोग मिलने वाले हैं और उनके माध्यम से ये बिल त्वरित पास होना चाहिए और इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।